बुढ़ापे में काम और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। रिकॉर्डिंग भी सुन से सुन सकते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग ऑल। हाँ तो व्हाट आई वाज सेइंग कि नाउ यू विल हैव योर यूनिट टेस्ट नंबर 6। नाउ इन यूनिट टेस्ट नंबर 6 व्हाट आई एम प्लानिंग इज आई विल हैव 25 मार्क्स ऑफ योर एमसीक्यू। एमसीक्यू और वन मार्कर्स में प्रॉब्लम ये होती है कि यू वोंट बी एबल टू गिव मी द स्पेसिफिक आंसर। सपोज इफ क्वेश्चन इज समथिंग कि व्हाट इज द फर्स्ट form of security issued by the company, ठीक है? What is the first form of because the security issued by a company? What would be the answer for that? From that side, here side, related. Equity share, ठीक है? Equity share would be the first form of security which will be issued by the company. और वो सबसे first and foremost है. उसके बाद में आप दूसरी securities को you can say issue करो. अब मैंने क्वेश्चन लिखा, व्हाट इज दैट? अब एक बच्चे ने लिखा, हर्षवर्धन ने लिखा इक्विटी शेयर, ठीक है? इसने लिखा इक्विटी, तो ये भी राइट है, ये भी राइट, बट गूगल फॉर्म में मुझे एक ही आंसर रखना है, इधर इक्विटी और इक्विटी शेयर। सो टू मेक इट स्पेसिफिक व्हाट आई वुड डू इज मैंने फॉर्म चेंज करा दैट डैश शेयर इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी। उसमें सिर्फ एक ही आंसर है, इसकी तरफ से भी इक्विटी, इसकी तरफ से भी इक्विटी। बट माय पॉइंट, द क्वेश्चन विल बी इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है? अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑथर का नाम, ठीक है? सो इफ आई वुड से हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, अगर ये क्वेश्चन, तो एक पर्सन लिखेगा मिस्टर फ्रेडरिक टेलर, ये लिखेगा मिस्टर फ्रेडरिक टेलर, ये लिखेंगे प्रोफेसर फ्रेडरिक टेलर, वो लिखेगा फ्रेडरिक, ये लिखेगा टेलर। चार आंसर हो गए। जस्ट अ सेकंड बेटा। हेलो, हाँ ओके, अभी चलेंगे, ओके ठीक, ओके सॉरी बेटा। सो वेयर वाज आई, भूल गए। फ्रेडरिक टेलर, तो यानी चार ऑप्शन आंसर, अलग अलग आंसर, तो उसके लिए मैं रखूंगी डैश वॉज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और मैं बोलूंगी या फिर मिस्टर भी मैं लिखूंगी, मिस्टर भी मैं लिखूंगी, तो कोई मिस्टर तो करेगा, मिस्टर मिसेस करने की जरूरत है। फिर उसके बाद में आपको आंसर लिखना है। अच्छा, आज उसमें आंसर लिखने के भी बहुत सारे, फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या किया है, फोर्थ लेटर यहाँ पे आपको ना वाइस वर्सा दिखाई देता है, आई एम सॉरी स्टूडेंट, पर मैं आपके लिए रीड करती हूँ। तो यहाँ पर आपने लिखा है फ्रेडरिक टेलर, तो यहाँ पर फर्स्ट वर्ड आपने लिखा है कैपिटल, ठीक है? सेकंड ऑप्शन होता है, बच्चे लिखेंगे फ्रेडरिक, अब गूगल फॉर्म के सेंसिटिव भी है, ऐसा मुझे पता चला है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू राइट द होल आंसर इन अपर कैप, है ना? आप जब भी एग्जाम दोगे, क्योंकि मैं आंसर फील करूंगी, वो क्या होता है कि आप मुझे आंसर फीड करना, ठीक है? इफ यू वांट टू गेट मार्क्स, अगर आपको मार्क्स चाहिए तो, अगर आपको मार्क्स चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आपको मार्क्स चाहिए तो आप लोग लिखोगे मैंने पूरा पेपर दिया, अगर आप लिखोगे तो अपर कैप में बनेगा। व्हाई? सो एज टू रिमूव एनी कंफ्यूजन कि भाई मैंने इस तरह से पेपर बनाया है, आपको भी इसी तरह से लिखना है। एवरी लेटर शुड बी कैपिटल while writing your you can say or appearing for your exam page. Jab bhi ho ke abhi time table bana nahi hai, jab bhi time table banega same day you will get your google form, aapko aapka google form milega,
और सेम डे यू विल गेट योर 5 मार्कर्स एंड 3 मार्कर्स यानी 1 मार्कर जो होंगे 25 मार्क्स के दैट आई विल आस्क इन योर यू कैन से गूगल फॉर्म एंड 5 मार्कर्स आई विल आस्क इन योर यू कैन से डिस्क्रिप्टिव वो उस पे गूगल फॉर्म में भी कर सकते हैं पर वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट ठीक है फॉर यू टू राइट एंड मी टू चेक टाइप करने में बहुत प्रॉब्लम होती है ना इतना सारा ले सकता है गूगल फॉर्म वो भी लेता है पर आप लोगों को भी डिफिकल्ट होगा क्योंकि मुझे एक्चुअली आपसे राइट आपकी हैंड राइटिंग स्पीड बढ़ानी है तो उसके लिए आई वॉन्ट यू टू राइट इन द फॉर्म ऑफ पेपर ठीक है दिस इज वॉट आई हैव डिसाइडेड टिल नाउ आज तक का ये डिसीजन है आगे क्या होता है अगर एक और मीटिंग हो जाती है अगर फिर से कोई डिसीजन चेंज होता है आई विल नो ठीक है So this is all about it. Okay. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज आपके कोर्स कोर्स का भी कल इसका हर्षवर्धन का फोन आया था किसी को भी कोर्स में प्रॉब्लम हो तो इससे पहले हम लोगों ने डायरेक्टिंग तक किया था इससे पहले वाले टेस्ट में डायरेक्टिंग सो एवरी टेस्ट विल हैव टू चैप्टर्स ठीक है तो उसके बाद वाले चैप्टर दैट इज 7 and 8 7 चैप्टर कौन सा है कंट्रोलिंग था लाते नहीं था नो मैम कंट्रोलिंग So it will be controlling and 7 and 8 ये अभी financial है और उसके बाद वाला जो test होगा उसमें last chapter एक ही chapter बन जाएगा ठीक है only one chapter is left पे okay एक book दे दोगे बेटा mouse के लिए okay. दो chapter है okay उसके बाद 9 और 10 ठीक है चलो फटाफट फिर वो देखो so in the last class we studied about the working capital You don't know what is working capital, what are the characteristics, what are the, you can say, values, or what things are taken in working capital that we have done. Today, we'll start with your 8.5, page number 92, that is your fixed capital. Yes, sir. Third, lesson, you will go down for capital. Third, take it all spread. Again, yeah. Fixed capital. Or you will see that, third, computer, fourth, fifth, and sixth. We'll go to fixed capital. Fixed capital, the name itself suggests कि जो fixed है, जैसे ये bench है, you cannot move it from one place to other place easily. ठीक है? So that is something which is fixed in this building. Chalk easily, यहाँ से दूसरे room में ले जाओ, दूसरे से तीसरे room में ले जाओ, उठा के घर पे भी ले जाओ. बहुत सारे बच्चों को शौक होता है, पता नहीं क्या करते हैं उसका घर जाके chalk खाते हैं क्या करते हैं. तो chalk है जो आप अपने एक room में से दूसरे में भी ले जा सकते हो. Or you can take it to other places. So that is your current or working. It can move from one form to other form, etc. Fixed capital वो होता है. We like for example आपके यहाँ पे second line में दिया है land, building, machinery, plant and machinery, etc. जो भी पैसा हम लोग इस asset उस asset में रखते हैं, it will stay for a longer period of time. और जब वो assets चले जाएंगे, तो शायद उसकी value zero भी होगी. Like for example machinery, ठीक है? And certain you can say products उनकी value बढ़ती है जैसे for example building ठीक है land है you invest in that maybe after 20 years that land will cost you more मतलब it will you can say whenever you will sell that land you lose it and whenever you sell you will get more let me give you example बापूनगर area सबको पता है ठीक है my aunt मेरे नाना जी वहाँ रहते थे so they purchased a house in बापूनगर area for 2000 2000 rupees बहुत साल पहले पूछना भी मत कितने साल पहले 2000 रुपए में घर खरीदा आजकल 2000 रुपए में पिज्जा नहीं आता ठीक है पिज्जा पार्टी करने जाओ तो 5000 रुपए लग जाते हैं फ्रिज में और अगर कोई ज्यादा भूखा है तो 10000 भी लग जाएगी तो कहने का मतलब ये 2000 में दे गॉट अ हाउस आज वो हाउस उस हाउस की कीमत 2000 रुपए नहीं ऑन पेपर 2000 आज वो शायद 80 लाख का 90 लाख का रिनोवेशन और उसके बाद में तो लैंड बिल्डिंग ऐसी चीज है जिसकी प्राइस बढ़ेगी बट देर आर सर्टन यू कैन से फिक्स एसेट्स लाइक मशीनरी और रॉ यू कैन से मशीनरी है या फिर आपके यू कैन से व्हीकल है कार है एक्टिवा है जो भी आप लेते हो तो जो प्राइस पे आपने लिया है दो दिन बाद में अगर दो दिन के यूज के बाद में बेचोगे तो 2000-3000 रुपये से कम हो जाएगी सो फिक्स कैपिटल वो होता है विच रिमेन्स इन योर बिजनेस for a longer we intend to keep it for a longer period in case of unforeseen crisis matlab humne building purchase kiya hum soch rahe ki isko hum 100 saal tak use karenge par beech mein bhukamp aa gaya building toot gayi to
दैट इज अनफोर्सिन क्राइसिस वी डोंट नो वी नेवर डू बट हमारा इंटेंशन तो यही है बिल्डिंग विल ऑलवेज बी अ फिक्स असेट भले वो छह महीने में टूट जाए बिकॉज ऑफ यू कैन से अर्थ एक हैवी अर्थ क्वेक आता है 10 की रेंज का तो इट मे हैपन ठीक है बट इंटेंशन व्हेन वी ब्रिंग द असेट इन द बिजनेस व्हेन वी इंटेंड टू यूज इट फॉर मोर देन 5 इयर्स और 10 इयर्स और 20 इयर्स 25 इयर्स दैट इज योर फिक्स्ड असेट और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इट इज ऑन योर पेज नंबर 93 सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है लॉन्ग पीरियड ये जो एसेट्स हैं वो हमारे बिजनेस में 5 या उससे ज्यादा साल के लिए रहते हैं ठीक है वंस यू परचेज अ व्हीकल यू इंटेंड टू यूज इट फॉर एटलीस्ट 5 इयर्स ठीक है इवन इफ यू आर यूजिंग रफली यू इंटेंड टू यूज इट फॉर 5 इयर्स बिल्डिंग इट विल स्टे फॉर इयर्स टुगेदर 100 साल पुरानी बिल्डिंग होती है यू हैव 100 एंड 100 इयर्स की बिल्डिंग पुरानी है ठीक है वो हेरिटेज में चली जाएगी दैट इज डिफरेंट थिंग बट येस दे आर लॉन्ग टर्म दे आर गोइंग टू स्टे विद द बिजनेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अभी जस्ट मैंने यूज को कर था ये बॉम्बे का रेलवे स्टेशन इट कम्स अंडर हेरिटेज साइट ब्रिटिशर्स के टाइम पे बना हुआ है आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट एरिया शिवाजी के नाम से है रेलवे स्टेशन का नाम हाँ छत्रपति शिवाजी टर्मिनल इट कम्स अंडर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में वो रेलवे स्टेशन आता है ठीक है hundreds and hundreds of years the building would stay with you it will become heritage long period next is different ratio in different business yesterday only we discussed about it suppose aapko ek 5-star hotel khulna hai to aapko fixed assets ki bahut zyada zarurat padegi aur agar aapko dhaba khulna hai to fixed assets ki koi zarurat nahi do khat do ek thoda sa thoda sa bolte na aap ek thoda sa structure bana ke you can start with it. so if your business is like big you require more lots and lots of you can say or more amount of fixed capital but if your business is small and you want to start from you can say grassroots level thoda sa shuru kare so your working capital requirement may be more but your fixed capital requirement will be less abhi zomato ka zamana aa gaya hai hai na zomato swiggy aap khud ke kitchen mein apna restaurant shuru kar sakte register yourself on zomato aapke andar caliber hone chahiye theek hai aap food delivery kar sakte ho without investing in extra infrastructure ghar ka kitchen bhi aapka restaurant ban sakta hai khali website pe ek website bana do naam likh do you are a you can say and you can become successful as well this online platform has given success without investing huge amount in your fixed assets mein huge amount investment ke bina bhi bahut sare business successful ho rahe hain so ratio of fixed assets is different in different type of कंपनीज अगर आपकी सीमेंट इंडस्ट्री है सीमेंट इंडस्ट्री या फिर आयरन इंडस्ट्री है तो आपका फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट विल बी मोर और अगर आपकी छोटी मोटी इंडस्ट्री है तो इट विल बी लेस कंपोनेंट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड यहाँ पर जो दिए उसके अलावा कोई बता सकता है और कोई फिक्स एसेट्स इसके अलावा फिक्स एसेट कोई लैंड बिल्डिंग मशीनरी व्हीकल फर्नीचर चलो आप लोग बनाते हो यूनिक बैलेंस शीट आप लोग बैलेंस शीट बनाते हो ना एनीवन एल्स वहां पे से दर्श विनल विशाल ध्रुवी मोहित एकांश पवन धरती भाविका स्नेहा हर्षित संगीता सार्थक तो आया है Oh my God, आज तो हम कृतार्थ हो गया सार्थक आए हैं आया कि सो रहा है पता नहीं क्योंकि स्क्रीन तो पता ही नहीं है तो आना ही पड़ेगा ना यस भाविका ने आंसर दिया गुडविल यस गुडविल इज आल्सो वन ऑफ द फिक्स्ड इनटेंजिबल एसेट उसके अलावा चलो देखो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ज्यादा अच्छा पड़ रहा है यहाँ पे सब बैठ के सो रहे हैं हाँ बोल इन्वेस्टमेंट इन व्हाट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सॉफ्टवेयर ओके दूसरा बोलो हाँ चलो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आया यहाँ पे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से उधर से आवाज नहीं आई एक जो पर्सन ने बोला कि आवाज क्लियर नहीं आई चलो कोई बात नहीं है तो जैसे गुडविन है पेटेंट्स यस पेटेंट है गुडविन है लीज होल्ड बिल्डिंग यस
80 साल के लीज होल्ड होते हैं, बिल्डिंग है तो लीज होल्ड बिल्डिंग भी होता है। मैम ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क इज ऑल्सो आंसर, यस। और कॉपीराइट, कॉपीराइट क्या बात है, यहाँ से इतने सारे आंसर आ रहे हैं कॉपीराइट और यहाँ से एक ही आंसर है और सब सो रहे। बोलो बोलो भाई मास्क में क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा जोर से बोलो, मन में मत बोलो, मुझे नहीं सुनाई देगा, मन मन में जो बोलो ना वही सुनाई देगा। ठीक है चलो, कॉपीराइट, यस सुरभि गेव आंसर कॉपीराइट, दैट इज ऑल्सो राइट आंसर। चलिए लेट अस मूव ऑन, सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ योर लॉन्ग टर्म कैपिटल, भाई साहब के पंच कैसे होगा, अपन हो जाओ बच्चे जाओ। नेक्स्ट इज योर थर्ड, लेस लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब हाउ, लेस लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ शेयर इनटू कैश, आपको किस तरह शेयर को ट्रांसफर ऑफ योर एसेट इनटू यू कैन से कैश और बैंक बैलेंस। तो जो फिक्स एसेट होते हैं दे आर नॉट इजीली ट्रांसफर्ड इनटू कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस। अब इजीली मैं बिल्डिंग नहीं शेयर कर सेल करूंगी, ठीक है, यू परचेज अ बिल्डिंग टुडे टुमारो यू विल सेल, देन अगेन यू परचेज डे आफ्टर टुमारो यू विल परचेज एंड सेल, वो तो ठीक है आप कमीशन पे काम कर रहे हो दैट इज गुड, बट नॉर्मली दिस फिक्स एसेट आर द वन विच विल स्टे विद यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इट इज नॉट कन्वर्टेड इन कैश फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड के लिए इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ द एसेट इटसेल्फ, बिल्डिंग विल बी बिल्डिंग फॉर मे बी 20-25 ईयर्स, उसके बाद में वो कन्वर्ट हो जाए इन कैश, ठीक है। रिस्क इज क्वाइट हाई, बहुत ज्यादा है रिस्क, क्यों रिस्क ज्यादा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई परचेज अ मशीनरी, आई इन्वेस्टेड, सबसे पहले तो फिक्स एसेट नॉर्मली एक्सपेंसिव होते हैं, एक नॉर्मल टेंडेंसी ये है जो भी आपके फिक्स एसेट होंगे दे आर एक्सपेंसिव, सो वॉट एवर यू इन्वेस्ट इन योर फिक्स एसेट दे आर गोइंग टू स्टे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड इन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट मे बिकम ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब क्या होता है, यूजफुल है बट आउटडेटेड है। फॉर एग्जाम्पल दिस मोबाइल, ठीक है, आई परचेज दिस मोबाइल मे बी 2-3 मंथ्स बैक और पता चला कि 4G चला गया 5G आ गया, ये मोबाइल मेरा मे बी 2-4-5 साल तक चल जाता है, 2 साल तो चलो मैक्सिमम लाइफ हो गई आजकल मोबाइल की, तो सपोज ये मोबाइल है आई विल यूज इट, आई इंटेंडेड टू यूज इट फॉर एटलीस्ट 3 years, मैंने जब परचेज किया आई इन्वेस्टेड इन दिस मोबाइल, दिस इज योर लॉन्ग टर्म एसेट, दिस इज योर लॉन्ग टर्म एसेट, ये जो मोबाइल में मैंने इन्वेस्ट किया, बट दिस मे बिकम ऑब्सोलेट आफ्टर 2 months, 5G आ गया, 4G बंद ही कर गया और अचानक से सब कुछ ऑब्सोलेट हो गया, सो आई इट विल बी ऑफ नो यूज, दिस थिंग विल बी ऑफ नो यूज। ऐसा ही पेजर आता है, आप लोगों ने देखा भी होगा टीवी पर, गूगल पे जाके सर्च करना पेजर, पेजर ये डॉक्टर सभी भी यूज करते हैं मेडिकल, तो यूज कर रहे हो तो उसमें आप लोगों ने देखा उसे, सो पेजर क्या होता है, वन वे इंफॉर्मेशन, मतलब इफ सपोज हर्षवर्धन, हर्षवर्धन वांट्स टू गिव मी इंफॉर्मेशन कि मैम योर लेक्चर इज एट 8:45, ठीक है, तो हर्षवर्धन विल सेंड मी द मैसेज, कैसे सेंड करेगा, इफ यू सेंड द मैसेज टू द पेजर, पेजर कंपनी को मैसेज करेगा कि हेलो आप पूरा डिटेल का ये पेजर नंबर है उस पर कॉल करो और उसको मैसेज, तो वो पेजर कंपनी मुझे मैसेज करेगी कि योर लेक्चर इज एट 8:45, बट सपोज ऐसा ही छोटा सा, इतना छोटा सा ना होगा, इतना छोटा सा होता होगा, इतना छोटा सा पेजर, उस पर एक स्क्रीन पर आएगा योर लेक्चर इज एट 8:45, ओके, बट आई वोंट बी एबल टू रिप्लाई टू हर्षवर्धन, मुझे हर्षवर्धन को रिप्लाई करना है तो फिर मुझे हर्षवर्धन के पास मेरी पेजर होगी, फिर मैं पेजर कंपनी को कॉल करूंगी और पेजर कंपनी बोलेगी यस हर्षवर्धन पूरा डिटेल बॉक्स वर्क, ठीक है, तो क्वाइट है, एक तो सबसे पहले कि दोनों मैं मेरे पास खुद कंट्रोल नहीं है, पेजर कंपनी है, मोटोरोला वाज अ पेजर पेज नेम कंपनी मुझे याद है एंड इट वाज वेरी कूल एट दैट टाइम, व्हेन वी वर स्मॉल, तो जैसे आप लोग मोबाइल ऐसे बोलते ना कूल वाले मोबाइल, एप्पल के मोबाइल लेके घूमते होते हैं वो कितना कूल बच्चा है, वो पता नहीं कि एक नंबर का होता है ना, निखट्टू बच्चा है, कुछ करता नहीं है, खाली मोबाइल लेके घूमता रहता है, वैसे बच्चे कूल दिखने के लिए वो पेजर लेके घूमते थे एंड नाउ इट हैज बिकम ऑब्सोलेट, ठीक है, तो आई इन्वेस्टेड इन दैट पेजर थिंकिंग कि ये 10-15 साल तो चलेगा, पर 2 साल में वो कंपनी बंद हो गई और ये पूरा कॉन्सेप्ट ही चला गया बिकॉज ऑफ वॉट मोबाइल, फिर नोकिया 3110 वाली सीरीज आई थी ना वो आ गई और फिर
हमें वो कंपनी की जरूरत ही नहीं है. सो इट मे बी पॉसिबल कि आपने कोई मशीन इन्वेस्ट किया, यू इन्वेस्टेड इन सम मशीनरी, बट मशीनरी बिकेम ऑब्सोलेट आफ्टर फ्यू ईयर. नई मशीनरी आ गई और टेक्नोलॉजी तो हर दूसरे दिन चेंज होती है. ठीक है, सो इन सम ऑफ द केसेस वेयर टेक्नोलॉजी चेंजेस एवरी डे, कोई सॉफ्टवेयर बनाया, कोई अपने लैपटॉप बनाया, कोई मोबाइल बनाया, सो दैट विल बिकम ऑब्सोलेट आफ्टर टाइम. डेप्रिशिएशन, yes, yesterday itself we discussed about depreciation, what is depreciation, and we don't have depreciation for your working capital. Why we don't have a depreciation for working capital? Because working capital will stay for a very short period of time, okay, and depreciation is wear and tear in the value of your asset, you don't know. So depreciation is the change, you can say reduction in the value of asset due to wear and tear of the asset. That is calculated on your fixed asset and that becomes a benefit for the company. Kaise banta hai benefit? Because you get, you can say, tax reduction. At the end of the year, aapko tax reduction milta hai. Aur wo tax reduction aapka profit reduce karta hai and that was jo jo depreciation fund banate hai. Aapko jo banaya hoga tax reduction. Every year we take out depreciation and create a depreciation fund. What depreciation fund can you do? Do you know that? It is used to buy the machine. Suppose your machine is, you have to pay price for 10 years, it will be less. You have a building. Building ki, land ki price badhti hai, building ki price kam hoti hai. Jitna zyada building purana hota jata hai, agar heritage nahi hai to, uski value kam hoti hai. Price jo badhti hai na, wo land ki badhti hai. Land is precious, building is not. Jitni purana construction, utni kam hai. ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें रिपेयरिंग चाहिए, तो उसका भी डेप्रिशिएशन होता है, बिल्डिंग का भी डेप्रिशिएशन होता है. ठीक है, लैंड का एप्रिशिएशन, लैंड का क्या होता है? एप्रिशिएशन. सो डेप्रिशिएशन इज कैलकुलेटेड एंड द गाइडलाइन ऑफ दिस डेप्रिशिएशन वी गेट इट ऑन द बेसिस ऑफ यू कैन से फ्रॉम गवर्नमेंट डिसाइड करती है डेप्रिशिएशन. नहीं तो फिर सब लोग तो 30-30, 40-40, 100% डेप्रिशिएशन निकाल के प्रॉफिट कम करके डिविडेंड ना देते है ना, उनको तो मजा आ जाए. हमारा तो डेप्रिशिएशन इतना होगा, डेप्रिशिएशन फंड क्रिएट कर दिया और डेप्रिशिएशन फंड को यू कैन से इंटरेस्ट लो, बैंक में डालो इंटरेस्ट लो. सो टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ माल प्रैक्टिसेस, गवर्नमेंट डिसाइड्स द रेट ऑफ डेप्रिशिएशन. सोर्सेस, नॉर्मली सोर्सेस क्या होंगे? ओनर्स फंड, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आर द सोर्सेस फ्रॉम व्हिच यू गेट योर फिक्स्ड एसेट्स. जो भी पैसा हम डालते हैं ना, वो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर या फिर बैंक लोन से हम लेते हैं. बिकॉज वी डोंट वॉन्ट कि भाई आज हमने पैसा क्लिप किया, कल वो वापस मांगने आ गए. सो इक्विटी शेयर के नॉट रीक्लेम द मनी टिल द बिजनेस क्लोज. प्रेफरेंस शेयर के नॉट रीक्लेम द मनी बिफोर द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, मे बी टिल द क्लोज. प्रेफरेंस शेयर भी टिल क्लोजर वाले होते हैं. बैंक के नॉट क्लेम द मनी टिल द टाइम. हमारे पास 20 साल का टाइम है, 25 साल का टाइम है टू पे बैक. सो वॉट एवर वी इन्वेस्ट, फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट इज फॉर लॉन्ग टर्म. सो द मनी विच इज इन्वेस्टेड to buy this fixed asset is also for the long term. Okay, this is all about sources. Then we have factors affecting the needs of fixed capital. ये जो है हम लोगों ने कल भी करे थे, पति थे, एक बार फटाफट कर लेते हैं. First is your nature and type of business. Nature and type of business. So बताओ, मैंने पहले working capital में explain किया था, आप लोग बताइए. Where would you need more fixed capital? Yes, Hinal, Dhruvi, Pooja, आप लोग में से कोई भी आंसर दे सकते हैं. मैम, जहाँ पे लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा वहाँ पे कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी. यस, जहाँ पे लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा वहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी मोर. जहाँ पे द प्रोडक्शन विल बी लेस एंड द कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर. ठीक है, फिर उसके अलावा मैंने बताया जैसे सीमेंट इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री, दिस आर द इंडस्ट्रीज वेयर यू रिक्वायर मोर कैपिटल. ठीक है, तो काई टाइप ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस विल डिटरमाइन योर रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. साइज ऑफ यूनिट, साइज, मोर द साइज मोर द रिक्वायरमेंट, लेस द साइज लेस द रिक्वायरमेंट. अगर आपका बिजनेस साइज बड़ा है तो योर रिक्वायरमेंट विल बी मोर. यस, फ्रॉम दैट साइड. ओके, नेक्स्ट. हाँ, यूज ऑफ ओनरशिप एंड लीज. मेनी अ टाइम अगर रिस्क की बात करें तो रिस्क कहाँ पर ज्यादा है? अगर आप परचेज करते हो तो रिस्क ज्यादा है, अगर आप लीज पे लेते हो तो रिस्क कम है. ठीक है, कि सपोज आपने बिल्डिंग लीज पे ले ली 20 साल,
20 साल के बाद में वो बिल्डिंग की एकदम बोलते ना खस्ता हालत हो गई है ना, तो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, लीज खत्म हो गया ना वो ओनर इज रिस्पॉन्सिबल। अगर आपने मशीन लीज पे ले ली इंस्टेड ऑफ परचेजिंग द मशीन, यू टेक इट ऑन लीज भाड़े पे ले ली, 5 साल बाद में मशीन खराब यानी ऑब्सोलेट हो गई, खराब तो नहीं हुई ऑब्सोलेट हो गई तो वो काम की नहीं है, तो हम 5 साल बाद में वो ट्रायल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे, उसके आगे की प्राइस मुझे पे करने की जरूरत नहीं है, तो हम कैंसिल भी कर देंगे। तो रिस्क की बात करें तो अगर ओनरशिप रहेगी तो रिस्क होगी वो, हाँ पर बेनिफिट भी है, अगर आप ओनरशिप लेते तो बेनिफिट भी है, अगर आप उसको रीसेल करोगे तो बेनिफिट, आप लीज करोगे तो रीसेल का कोई बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं, तो यू हैव टू डिसाइड। अगर ऑब्सोलेशन के चांसेस ज्यादा है तो लीज करो, और अप्रिशिएशन के चांसेस ज्यादा है तो परचेज करो, लैंड है तो परचेज कर दो, मशीन है तो लीज कर दो, क्योंकि मशीन की प्राइस तो, और लीज को लीज का बेनिफिट भी आपको उसमें मिलता ही है, इसमें इन द रिडक्शन ऑफ योर प्रॉफिट, आप लीज उसमें से माइनस कर दो, तो जैसे आपको डेप्रिशिएशन का बेनिफिट मिल रहा था वैसे ही आपको लीज का बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, इन टैक्स डिडक्शन। नेक्स्ट इज रिसर्च एक्सपेंसेस। रिसर्च एक्सपेंसेस, रिसर्च क्या होता है सबसे पहले तो, what is research? To find something from a one particular source. Yes, to find research, whatever is there, you again search something new from it. ठीक है, न्यूटन का लॉ तो आ गया, उसके अंदर कुछ और ऐड हो सकता है, मोबाइल तो बन गया पर इसमें कुछ और ऐड हो सकता है, उसका कैमरा DSLR जैसा बन सकता है, इसमें जैसे वॉइस क्वालिटी बेटर हो सकती है, कैन वी हैव द 4D वीडियो कॉल्स, हम लोग 4D वीडियो कॉल कर सकते हैं, ये सब रिसर्च है, ठीक है। तो रिसर्च, अगर आपकी कंपनी मोर रिसर्च वी कैन से R&D कर रही है तो देयर रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट विल बी मोर, अगर आपकी कंपनी R&D में नहीं है तो देयर रिक्वायरमेंट विल बी लो, ठीक है। नेक्स्ट इज योर, टाइम खत्म होने वाला है, चलिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी अगर जल्दी जल्दी चेंज होती है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर, टेक्नोलॉजी अगर स्टेबल रहती है तो योर रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल विल बी लेस। गवर्नमेंट असिस्टेंस एंड टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट अगर आपको एनकरेज करती है टू बाय द प्रोडक्ट, कैसे, सब्सिडी देके, गवर्नमेंट बोलती है लैंड ले लो हम सब्सिडी देंगे, ये नैनो प्रोजेक्ट इससे पहले कोई दूसरी सिटी में था, व्हाट वाज द नेम ऑफ द सिटी, यू रिमेंबर द नेम ऑफ द सिटी बिफोर इट केम टू गुजरात, समवेयर इन बिहार या फिर यूपी और बिहार में कहीं पर था, किसी को सिटी का नाम याद है, तो गवर्नमेंट मुझे भी याद है, वेयर वी एज्यूम वन ऑफ द सिटी आउटसाइड गुजरात, तो वहां पर गवर्नमेंट ने सब्सिडी पे लोन दी, सब्सिडी पे लैंड प्रोवाइड किया था नैनो प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन वहाँ के फार्मर्स ने उस चीज का अपोज किया, तो दैट केम टू अवर यू कैन से गुजरात, गुजरात में साणंद में प्लांट्स आते हैं, देयर आल्सो द गवर्नमेंट गिव द लैंड फॉर ऑन सब्सिडी, तो जब गवर्नमेंट एनकरेज करती है तो यू शुड गो फॉर द इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट, गवर्नमेंट एनकरेजिंग कम है तो यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन योर फिक्स एसेट, फिर आप लीज होल्ड पे चले जाओ, ठीक है। दवे भाविका, दवे भाविका अपना रोल नंबर, राठी ध्रुवी ने सिर्फ अपना रोल नंबर ही डाला है, राठी ध्रुवी अपना सिर्फ रोल नंबर नहीं डालना है, नाम भी डालना है, और दवे भाविका अपना रोल नंबर भी मेंशन करो बेटा, एवरीडे विशाल चौहान, कौन, विशाल चौहान, चौहान विशाल जो भी है, प्लीज राइट योर नेम एंड एवरीथिंग प्रॉपरली एवरीडे, ये सेम इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं बेटा। चलो नेक्स्ट इज योर एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस, व्हेन यू एस्टैब्लिश योर बिजनेस, जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है एट दैट टाइम द रिक्वायरमेंट ऑफ योर लॉन्ग टर्म एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स विल बी मोर, एक बार बिजनेस एस्टैब्लिश हो गया तो वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है, अभी हम लोग नई बिल्डिंग बना रहे हैं, नया स्कूल शुरू कर रहे हैं, तो रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज मोर, एक बार बिल्डिंग बन गया, बिल्डिंग में सारे एक्सपेंसेस हो गए, फिर हमको इलेक्ट्रिसिटी के लिए पे करना है, चौक के लिए पे करना है, एंड यू कैन से डे टू डे एक्सपेंस, ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मोर व्हेन द बिजनेस इज ऑलरेडी स्टार्टेड, व्हेन वी आर एस्टैब्लिशिंग द बिजनेस एट दैट टाइम वी रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ यू कैन से फिक्स्ड एक्सपेंसेस, ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर व्हाट वाज द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द नीड ऑफ योर फिक्स्ड कैपिटल, एनी डिफिकल्टी इन दैट, then we move on to the difference between the fixed capital and working capital, meaning ye important rahega aapke liye in your 3 markers mein ye question pucha jata hai, difference between fixed capital and working capital,
और सबसे पहले जब हम assets like land, building, machinery, patent, copyright पे invest करते हैं, that is your fixed asset. Working capital, this is your debtors, receivable, है ना? कॉमर्स के स्टूडेंट्स को बताने की जरूरत नहीं है, अगर आज के होते तो मुझे शायद एक्सप्लेन करना पड़ता, तो यू ऑल नो इट वेरी वेल. और पीरियड, दिस यू कैन से टाइम ऑफ टाइम ड्यूरेशन, इट इज लॉन्ग इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इट इज शॉर्ट इन केस ऑफ करंट एसेट. लिक्विडिटी इज वेरी लो और जीरो इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इट इज हाई इन केस ऑफ यू कैन से वर्किंग कैपिटल. रिस्क इज वेरी हाई ऑफ रिस्क ऑफ ऑब्सोलेशन, रिस्क ऑफ accident, anything is high in case of your fixed capital, it is low in case of your working capital. Requirement in the beginning of the business is high in case of fixed capital, it is low in case of, you can say, working capital. Sources, you will get this money with the help of issuing equity share, debentures, or you can say preference shares. On this side, you will get it on the basis of credit by give or taken from the bank. Short-term bank overdraft hai, ya phir bills receivable, bills payable se bhi hum log working capital ki requirement ko fulfill kar sakte hain. Depreciation, it is calculated on fixed asset, it is not calculated on your working capital. So this is all about the difference between fixed capital and working capital. This is all about your, this we end your chapter as well. So for you today, your homework will be complete your exercise. So many questions missing hai, jo aapne nahi likhe hai, complete your exercise and send it on the homework group if you are on online platform. Agar aap offline platform pe hai, to kal main aapka homework check karu. Theek hai, kal ye chapter pura complete karke offline wale bacche yahan par de denge, online bacche wahan pe group pe they will put the, you can say, home. So kal jab bhi aao, aap log homework leke aana. जो ओमिटेड है आप ओमिट कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, ओके. और कोई डिफिकल्टी इन दिस चैप्टर? एनी डिफिकल्टी इन दिस चैप्टर? अभी 4 मिनट्स आर लेफ्ट और यहाँ पे लेक्चर खत्म किया, तो कोई भी डिफिकल्टी तो पूछ लो फटाफट. नो मैम. ओके, अरे मैम बोला तू. ओके, सो यस, ऑल ऑफ यू क्लियर विद व्हाट वुड बी योर सिक्स्थ यूनिट टेस्ट विल बी लाइक? 25 मार्क्स एमसीक्यू विल बी देयर एंड 25 मार्क्स योर 3 मार्कर एंड 5 मार्कर्स विल बी आस्क्ड. टोटल 50 मार्क्स का टेस्ट है. ठीक है, ये सक्सेसफुल पढ़ा है तो वी विल कंटिन्यू विद दिस टू द नेक्स्ट टेस्ट एज वेल. 25 मार्क्स के मार्क्स आपको तुरंत मिल जाएंगे. दूसरे पेपर का जो है आपको मैं परमिशन लेके आई हूँ कि वो दिखाएंगे नहीं. ओके, हाँ बोलो. यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, जल्दी से पूछो. मैम कल का आपका डिबेट बहुत अच्छा था. ओ, यू सॉ दैट? यस मैम. थैंक यू वेरी मच बेटा. द स्टूडेंट्स वर्क वेरी हार्ड, दे वर प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 6-7 डेज. और एक बच्चे का थोड़ा प्रॉब्लम नेटवर्क इशू का हो गया था और वो थोड़ा फंबल हो गया था. ही फॉरगॉट टू टेक हिज हेडफोन. हम मैं भी हो जाती. ठीक है, एक दिन मैंने लेक्चर लिया था, यही सिमरन भी थी और मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गई. तो ऐसा होता है, तो वो थोड़ा फंबल हो गया था. अदरवाइज दे वर्क वेरी हार्ड. एक हफ्ते से उन्होंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की थी और प्रैक्टिस सेशन तो इससे भी अच्छे थे. बट ठीक है, थोड़ा स्टेज फियर जो भी है, टेक्नोलॉजी की भी प्रॉब्लम्स हुई थी. अदरवाइज यस, दे वर्क वेरी हार्ड. आप लोग भी कर सकते हो, जाना है आप लोगों को. हम लोग 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए भी कर सकते हैं प्लान. न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और व्हाट शुड बी द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, इसके ऊपर हम लोग डिबेट कर सकते हैं या फिर सजेशन दे सकते हैं. अगर कोई बच्चे इंटरेस्टेड हो तो मैं 11th और 12th का दोनों का करवा सकती हूँ, कि मतलब 11th के बच्चे भी रहेंगे, 12th के भी बच्चे रहेंगे, दोस्त वाइज. सो सेंड मी द मैसेज इफ यू आर इंटरेस्टेड, कि भाई मुझे इसमें इंटरेस्ट है. योर एग्जाम इज इन मे, मे में ना एग्जाम, और टाइम एक आधा डिबेट तो कर सकते हो. आगे जाके कॉलेज में जाना है, दर्श को तो नींद आ रही है, तो आगे जाके कॉलेज में जाना है तो फिर है ना, वहाँ पे जाके तो आपको ये प्लेटफॉर्म्स को यू हैव टू फेस, है ना, स्टेज. तो वो स्टेज फियर को कम करने के लिए दोस्त हुआ इंटरेस्टेड, दे कैन मैसेज मी, तो हम लोग एक एक्टिविटी आपको भी ज्वाइन करूँगी. 11th में तो हम कर रहे हैं, सेकेंड एक्टिविटी आप लोग ऐड हो सकते हो. ठीक है, फाइन. सो एनीथिंग एल्स स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू वेरी मच. इवन आई केम टू नो कि भाई मेरे कुछ 15,000 समथिंग व्यूज हो गए हैं
तो बच्चे नहीं रहे, इट शोज कि बच्चे पढ़ रहे हैं एंड 250-200 सब्सक्राइबर्स हैं, दैट शोज एंड इट इज ओनली यू. सी आई नेवर शेयर माय वीडियोस आउटसाइड माय आवर आरएचएचएस प्लेटफॉर्म. तो जो भी बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट देयर एफर्ट. आप लेक्चर में आते हैं, हिनल, दर्श, एकांश, कुमार जो लेक्चर में आते हैं वो भी, जो लेक्चर्स अटेंड करते हैं वो भी, और जो यहाँ पर आए हैं वो भले बातें कर रहे हैं, ठीक है, क्या करें. ओके ओके, सो विद दिस वी एंड दिस लेक्चर नाउ. गुड बाय स्टूडेंट्स. बाय मैम. बाय बेटा. बाय 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 बाय.